लैपटॉप इट विल बी अगेन फार बेटर। सो एज इट इज बिफोर 12, सो आई विल इनवाइट यू इन गुड मॉर्निंग। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू आवर दिस लेक्चर ऑन द मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्कशन। एंड द सेकेंड हाफ, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज रिगार्डिंग द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। न्यूमेरिकल्स आर देयर, सम डेरिवेशंस आर देयर। सो वी विल फर्स्ट फिनिश ऑफ टूडे द मेथड्स एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। एज वी हैव सीन, देयर आर थ्री मेन मेथड्स। द फर्स्ट इज द फ्लडिंग टाइप और द सरफेस इरीगेशन, सेकेंड इज द सब सरफेस इरीगेशन एंड थर्ड इज द स्प्रिंकलर इरीगेशन। सो द सरफेस इरीगेशन मीन्स वाटर इज गिवन और द इरीगेशन इज बींग डन ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द लैंड और ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्म। सो व्हाइल वी गिव द इरीगेशन, दैट इज आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर बाय फ्लडिंग यू कैन से, और ऑन द सर्फेस, द वेरी वाइल्ड मेथड और द ओल्ड मेथड इज द वाइल्ड फ्लडिंग और अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। सिंपली लीव द फ्लड ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर ओवर द लैंड, लेट दैट लैंड बी वेट, WET वेट, एंड आफ्टर दैट लैंड बिकम्स वेट, सम वाटर इज परकुलेटेड इन टू दैट सॉइल, दैट एक्सेस वाटर इज बींग टेकन आउट, इज बींग ड्रेन्ड आउट ओवर दैट सर्फेस, एंड देन द जॉब ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग विल कंटिन्यू। बट इन दिस मेथड, एज इट इज द अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लडिंग, देर इज वेस्ट फुल ऑफ वाटर, द वाटर इज वेस्टेड एंड इज प्रैक्टिस लार्जली वेयर इरीगेशन वाटर इज एबंडेंट एंड इनएक्सपेंसिव। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। हियर द वॉटर इज लिटरली वेस्टेड बिकॉज वी नो फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट वेरी लिमिटेड वॉटर इज रिक्वायर्ड, बट द रिमेनिंग वॉटर इज बींग वेस्टेड ओवर द सॉइल इन इट्स पोअर्स, इन इट्स वॉइड्स, एंड देन इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ द टाइम इट्स गेट्स इवेपोरेटेड, एज वेल एज सम वॉटर परकुलेट्स टू द ग्राउंड वॉटर टेबल एंड सम वॉटर फ्लोज ओवर द सर्फेस। बट वेयर द वॉटर इज एबंडेंट, पानी बहुत ज्यादा जहाँ है और बहुत कम खर्चा है, तो वहां पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं फ्री फ्लडिंग और द फ्लडिंग फ्रॉम वाइल्ड चैनल्स। ठीक है, जो हमारे अभी खेतों में जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट इंक्लूडिंग अवर बॉयज एज द गर्ल्स, वी आर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। हमारे में से बहुत सारे बच्चों के खेतिया है, उनके फादर की है, बच्चियों की भी है, लड़कियों की भी है, या हमने खेती कहीं ना कहीं तो भी देखा है। तो वहां पे जो अभी ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेथड्स हम यूज करते हैं। तो इसलिए कोई हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ये कोई आउटसाइड दी अवर वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वही हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आपको आगे में दिखेगा। सिर्फ इसको टेक्निकल लैंग्वेज में और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हमने बैठा है, और इसके ऊपर एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए हमें एग्जाम के इससे भी तैयारी करना है, एज वेल एज अवर जनरल नॉलेज विल ऑल्सो इंक्रीज, वी विल नो सर्टन न्यू टर्म्स। ओके, जस्ट बिफोर 2-3 मिनट्स आई हैव यूज द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, है ना। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये अभी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आ गया होगा ख्याल में, लेकिन हम ये वर्ड्स बाद में और यूज करने वाले। तो मैं हरदम, एज आई हैव रिक्वेस्टेड यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट इन टू द लेक्चर इफ पॉसिबल। यदि आप घर में बैठे हैं, कहीं नोटबुक है तो नोटबुक नोट्स कर निकालते रहिए या ओनली वर्ड्स लिखते रहिए, बिल्कुल 101% दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, नॉट ओनली इन योर एग्जाम बट इन योर फ्यूचर ऑल्सो। तो
चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री फ्लडिंग और फ्लडिंग फ्रॉम द फील्ड चैनल्स। फील्ड चैनल यानी जो हमारे खेतों में नालियां रहती है उसको हम फील्ड चैनल बोलेंगे। कहीं से भी आइदर फ्रॉम द वेल, जो ओपन वेल या कुआ हमारे खेत में रहता है, बोर वेल रहती है, या तीसरा, अभी तो हम फ्री फ्लो या फ्लडिंग पढ़ रहे हैं, तो कैनाल से ज्यादा हमारा संबंध है कैनाल से। तो कैनाल से जो हमारे खेतों के दरवाजे पे पानी आता है, खेत के एंट्री में पानी आता है, तो वो फील्ड चैनल से यानी जो नालियां रहती है खेत में, उससे खेतों में पानी देना, ये जरा फ्री फ्लडिंग और फ्लडिंग फ्रॉम फील्ड चैनल्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दिस वाटर इज फ्लोन थ्रू द फील्ड चैनल्स एज वेल एज खेतों में छोड़ने के बाद में और छोटे छोटे फील्ड चैनल्स रहेंगे, या छोटे छोटे हम जिसको हमारे राइस वाले एरिया में बांध्या करके बोलते मराठी में, या उसको इंग्लिश में चक करके बोलते। आगे में पढ़ने वाले हैं हम CHECK, चेक, उसका प्रोनाउंसिएशन चक करके होता है। तो इस टाइप से हम खेतों में पानी देते हैं और एक्सेस वाटर नहीं देते, कंट्रोल्ड देते हैं, जितना चाहिए उतना, तो इसलिए उसको कंट्रोल्ड फ्लडिंग करके बोलते हैं। सो वेयर इन वाटर इज स्प्रेड ओवर द लैंड विथ प्रॉपर मेथड्स टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन। कल मैंने आपको डेप्थ के बारे में बोला था कि कहीं तो भी आगे में हम ये डेप्थ का कंसेप्ट और हमारे यूज में आने वाला है। वी अप्लाई द वॉटर, यू नो दैट वॉटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्चार्ज, दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, एज वेल एज वॉटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एग्रीकल्चर, ओवर द लैंड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टा। ओके, वी विल बी अगेन स्टडिंग इट इन द सेकेंड हाफ, बट जस्ट वी शुड बी कॉन्वर्सेंट विद दिस वर्ड। तो ये कंट्रोल्ड फ्लडिंग में हम क्या करते हैं कि खेतों में जो पानी देते हैं वो एकदम वाइल्ड फ्लडिंग जैसा नहीं देते, हम थोड़ा पानी के सप्लाई के ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन ऑब्स्ट्रक्शंस और विद द हेल्प ऑफ द सर्टन गेट्स एक्सेट्रा, वेयर इन द डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन कैन बी कंट्रोल्ड। एकदम छोड़ दिया और बहुत खेत हमारा या जो हमारा क्रॉप है वो पानी में डूब गया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पानी हम दे सकेंगे। इसके जो वेरियस टाइप्स है वो है कंट्रोल्ड फ्लडिंग कैन बी अचीव्ड बाय फ्री फ्लडिंग, कंटूर लैटरल्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स और बाय द चेक फ्लडिंग, है ना, थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ सर्टन फोटोग्राफ्स एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टन डेफिनेशंस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द फर्स्ट थिंग, फ्लडिंग बाय कंटूर लैटरल्स, है ना, यू ऑल आर अवेयर विद द वर्ड कंटूर। ओके, कंटूर्स आर नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल लेवल्स ऑन द ग्राउंड। तो हमारे खेत में भी क्योंकि वो बहुत फ्लैट नहीं रहता है, कोई तो भी उसको स्लोप रहता है ना, तो वो उसको हम बोलेंगे इफ वी प्लॉट द कंटूर देन वी कैन सी दैट देयर आर द एज द लैंड हैज गॉट सर्टन स्लोप, सर्टन टोपोग्राफी, सो विद द हेल्प ऑफ दैट स्लोप एंड इन आवर टेक्निकल वर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंटूर्स, सर्टन चैनल्स एज हैज बीन शोन ऑन योर स्क्रीन, जिसको कंटूर लैटरल करके बोलते हैं, यानी जमीन के उतार का फायदा लेते हुए खेतों में नालियां बनाना, और वो जो लैटरल है, वो जो फील्ड चैनल है, एक मेन लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा मेन डीच करके लिखा है, या मेन कैनाल बोलिए आप, मेन सब कैनाल्स, माइनर्स एक्सेट्रा, दिस मेन डीच ब्रिंग्स द वॉटर एट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, एट द बाउंड्री ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म, हमारे खेत के एक कॉर्नर में एक कैनाल से पानी आता है, डैम से या कैनाल के माध्यम से, और हमारे खेत के बाउंड्री में लाके वो छोड़ देता है, और यहां आने के बाद में हम क्या करेंगे कि कंटूर लैटरल यानी छोटे छोटी और नालियां निकालेंगे। लेकिन ये नालियां कैसी निकालेंगे कि दिस नालीज और दिस लैटरल्स और डीचेस और स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज विल फॉलो द स्लोप ऑफ द ग्राउंड, दैट इज विल फॉलो द फॉलिंग कंटूर्स, है ना, ऐसे यदि कंटूर हम निकालते हैं तो इट विल फॉलो द फॉलिंग कंटूर्स
and as the water flows from higher contour or higher level to lower level, this water will flow through these contour laterals. और उसके बाद में फिर ये दो कंट्रूर लैटरल के बीच में फिर हम कहीं तो भी बीच में ओपनिंग देंगे इसको, और यहाँ से इसके बीच में जहां हम क्रॉप प्लांट करने वाले हैं, जहां हम खेती करने वाले हैं, वो खेती को गीला करेंगे, ठीक है। द फील्ड चैनल्स और लैटरल्स आर अलाइंड अप्रोक्सिमेटली अलोंग द कंट्रूर लाइन्स एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टीपर टेरेन, जहां बहुत उतार है वहां पे करेंगे। दूसरा हमने लिस्ट में पढ़ा था कि बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड। अब यहाँ पे कैसा है बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग में कि हम खेत के बॉर्डर में, खेत का जो धुरा बोलते हैं हमारे मराठी लैंग्वेज में, या बॉर्डर या फेंस बोलेंगे, तो कौन से तो भी एक बॉर्डर में विद द हेल्प ऑफ दिस सप्लाई डिच विच यू कैन सी ऑन यूर स्क्रीन, विद द हेल्प ऑफ दिस सप्लाई कैनाल और द चैनल, कैनाल बड़ा हो गया चैनल छोटा हो गया, तो सप्लाई चैनल और सप्लाई डिच द वाटर इज ब्रॉट, है ना, ये इनलेट दिख रहा है आपको, सो ये वाटर इज ब्रॉट ऑन द बाउंड्री ऑन द धुरा ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्म, हमारी जो खेती का जो टुकड़ा है, 2 एकड़ है 3 एकड़ है, तो उसके बाउंड्री में ये पानी छोड़ेगा बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर में, और फिर ये पूरे बॉर्डर से हम क्या करेंगे कि जितने भी खेत खेत का पार्ट है स्लोपिंग पैच, अगेन विथ वी विल यूज द कंटूर्स, बट हियर वी विल नॉट ड्रॉ द कंटूर लैटरल्स, जो हमने पिछले इसमें छोटी छोटी नालियां निकाली थी, ये फिर से फ्री फ्लडिंग का ही एक एग्जाम्पल है कि इसमें क्या करेंगे कि ये नाली से पानी लाने के बाद में बाउंड्री के बाद में या बाउंड्री के ऊपर या धुरे के ऊपर में छोटे छोटे और इससे ओपनिंग करेंगे ये नाली को और पूरे खेत में पानी छोड़ देंगे उतार पे, है ना, ऐसा करेंगे। या फिर एक आधे बार जो कंक्रीट के पाइप्स रहते हैं, खड़े पाइप रहते हैं, तो वो कंक्रीट के पाइप को भी छेद करके उसमें से पानी छोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने बहुत बार देखा है हमारे खेतों में वगैरह, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वी हैव सीन, इट इज कॉल्ड एज द बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड। ये जैसा ये यहाँ पे आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट अगेन इन ए बेटर मैनर, यू कैन सी ऑन द इन दिस फोटोग्राफ दैट बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, दिस इज दैट बॉर्डर स्ट्रिप, जो धुरे के ऊपर में जो पानी लेने आने वाली जो नाली है, ये यहाँ पे भी राइट साइड में नीचे में भी आपको दिख रही है, और इसमें से ये जो खेत में बनाई हुई हमारी बांदिया है ना, हमारे धान वाले बच्चे और अच्छे से समझेंगे जिसको बांदिया करके बोलते हैं, तो उसमें इससे पानी हम छोड़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द बॉर्डर इरिगेशन with water being applied to the borders with the help of either the flexible pipes, siphons or maybe with simple opening into that patch of the land. ठीक है, next है अभी हम पढ़ने वाले check flooding। जैसे मैंने आपको बोला खेत जो है, खेत के border में एकदम फिर से धुरे के ऊपर में main border के ऊपर में फिर से एक channel के माध्यम से with the help of one small canal or the channel the water is drawn or water is brought and again the parallel laterals जो हमने शुरू में पढ़ा था और जिसको subsidiary ditches बोलेंगे, नालियां बोलेंगे, इससे ये पूरे खेत में पानी हम again with the help of the contours with the help of the slopes this water is allowed to move into this agricultural farm. Only this agricultural farm is again subdivided into small either rectangular or square chucks, CHECK chucks. Chucks यानि उसको फिर से अंदर में बांधिया करके border करके ये chuck यानि इसके अंदर हम पानी छोड़ेंगे और इसमें जो भी हमें irrigate करना है, rice लेना है, sugar cane लेना है, इसमें this we will do. And we will bring the water. Okay, so chuck flooding is similar to free flooding, except water is controlled by surrounding the chuck area with low or flat levees. Levees यानी जो बीच में की borders रहती है, बांधी है जो रहती है, उसको levees करके बोलते हैं, LEVEES. ठीक है? So this is in short the chuck. ये भी mainly chuck type of the flooding is nothing but the flooding that has been done in our rice field. Or maybe in our
शुगर केन फील्ड, ठीक है, जहां पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो वहां पे इस टाइप से, और पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इट इज अगेन ए टाइप ऑफ द फ्री फ्लडिंग बट कंट्रोल्ड फ्लडिंग। रिंग बेसिन फ्लडिंग, जैसे हमारे खेतों में बहुत सारे हमारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज रहते हैं, कोई आम का झाड़ रहता है, आम के भी बगीचे रहते हैं, आपने बहुत अभी अभी हमारे एरिया में है, कहीं पेरू या जिसको गुआ करके बोलते हैं उसके है, संतरे के है, मौसम्बी के है, नींबू के है, तो उसमें ये रिंग बेसिन फ्लडिंग करते हैं, खेत के बीच में से एक फील्ड चैनल से पानी लिया जाता है और उसको जहां जहां हमारे प्लांट्स है वो प्लांट्स में ये वाटर प्लांट को सप्लाई किया जाता है, अगेन बाय कंस्ट्रक्टिंग दी स्मॉल बेसिन और द डिच अराउंड द प्लांट विच हैज बीन शोन ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। ठीक है, सो दिस इज द रिंग बेसिन फ्लडिंग। फरो मेथड, ये जो अगेन फरोज आर स्मॉल चैनल्स विच कैरी वाटर डाउन द लैंड स्लोप बिटवीन दी एडजेसेंट लेवीज, ये बीच में की जो है इसको लेवीज करके बोलते हैं, ये लेवीज के ऊपर में हम झाड़ लगाते हैं और फिर से बॉर्डर चैनल से पानी लाने के बाद में यहाँ से खेतों में पानी दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा है, और ये बीच में के जो नालिया है उसको फरोज करके बोलेंगे, फरोज से पानी लाएंगे, और द फरोज आर ऑन द टू साइड्स ऑफ द लेवीज। ठीक है, ये लेवीज के ऊपर में या बीच में के बांधियों के ऊपर में हम झाड़ लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे। आजकल बहुत सारे हम जो मेथड देखते हैं या खेतों में देखते हैं जहाँ पे शेड्स वगैरह करके एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वहां पे दिस टाइप ऑफ द मेथड इज बीइंग अप्लाई इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ मैंने आपको बताया चेक बेसिन मेथड के, चेक बेसिन आपको समझाया, ये रिंग बेसिन का नीचे में है, और अभी आगे का जो है कंटूर बॉर्डर मेथड, ये हमें जनरली हिली एरिया में देखने को मिलती है, कंटूर बॉर्डर मेथड, ये जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कंटूर फार्मिंग करके बोलेंगे, इट इज जनरली एडॉप्टेड इन द हिली एरियाज, आपने आपने बहुत सारे हिली एरियाज देखे हैं, कुछ माउंटेन्स देखे हैं, यू हैव मूव्ड इन टू, यू मस्ट हैव सीन इन योर सम टेक्निकल विजिट्स एक्सेट्रा द माउंटेन्स ऑफ द सह्याद्री सातपुड़ा एज वेल एज हिमालयन माउंटेन्स, तो वहां पे आपको इस टाइप से माउंटेन के ऊपर में स्लोप में हॉरिजॉन्टल कटिंग करके सम टेरेसेस आर मेड वेर इन द एग्रीकल्चर इज बीइंग डन, कुछ भी राइस या एनी टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, पोटैटो एक्सेट्रा दे आर फार्मड हियर इन द हिली एरिया, राइस पोटैटो राजमा ऑल दिस इज बीइंग ग्रोन हियर, सो इन दिस वे इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंटूर फार्मिंग यू कैन सी द वेरियस कंटूर बर्म्स दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड बिटवीन दिस कंटूर बर्म्स आइदर द नेचुरल रेनफॉल वाटर और द आर्टिफिशियल वाटर इज बींग फ्लोन बिटवीन दिस कंटूर बर्म्स एंड द एग्रीकल्चर इज बींग डन, दिस इज नथिंग बट द कंटूर फार्मिंग। नाउ वी आर मूविंग इन टू द लास्ट टू टाइप्स ऑफ द इरीगेशन ऑन विच रेगुलरली द क्वेश्चन आर आस्ड, दे आर द स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी ड्रिप इरीगेशन, वी विल ट्राई टू फिनिश इट टूडे सो दैट टूमारो वी कैन स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट दैट इज दी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। यू आर ऑल अवेयर अबाउट द स्प्रिंकलर इरीगेशन, ओके, इट इज नथिंग बट द इरीगेशन इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटन्स और द स्प्रे, एज इफ ऑर्डिनरी रेन इज फॉलिंग ऑन योर क्रॉप्स, जैसे बरसात का पानी आ रहा है ऐसे आप कृत्रिम रीत्या प्रेसिपिटेशन और द बरसात यू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन, ओके, आइदर इन द गार्डन और द लॉन और मे बी इन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑन द लार्जर स्केल। वट इज द एडवांटेज, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज इट्स एडेप्टेबिलिटीज वेयर सर्फेस इरीगेशन मेथड्स आर नॉट एफिशियंट, इसकी ज्यादा बहुत महत्तम उपयोगिता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि जहां पे हम सरफेस इरिगेशन नहीं कर सकते, फ्लो इरिगेशन नहीं कर सकते, ऐसी लैंड है ऐसी जगह है, तो वहां पे दिस
स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन बी इजीली डन. एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ्स, यू विल इजीली अंडरस्टैंड, एंड एवरीबडी मस्ट हैव सीन समवेयर और अदर. इन अवर कॉलेज ऑल्सो वी हैव वेरी नाइस अरेंजमेंट ऑफ द स्प्रिंकलर एज वेल एज ड्रीप इरीगेशन. So it is useful where the land cannot be prepared for surface methods, where the slopes are excessive. जहाँ पे जमीन पहाड़ी है, बहुत उतार है, तो वहाँ पे आपको ये फरोज बनाना, चैनल्स बनाना, ये आपको जरा इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है, क्योंकि उसमें से पानी ले जाएंगे तो और वेलोसिटी रहेगी. जमीन को भी स्लोप है तो पानी अपने साथ में, सॉइल भी अच्छी जो आपकी फर्टाइल लैंड है उसको भी बहा के ले जाएगा. So therefore the slopes are excessive. There you can use the sprinkler irrigation. Topography is irregular. बहुत बार पहाड़ी एरिया रहता है, अनइवन टोपोग्राफी रहती है, सरीका उतार नहीं रहता है, कहीं उतार कहीं चढ़ाव रहता है. So there you can do. Soil is erosive. जो soil है वो अपने आप बहने वाली है पानी के साथ में, erosion होने वाला है. The soil is excessively permeable or impermeable. बहुत बार क्या होता है कि जो हम समझो फ्लड सरफेस इरिगेशन से या फ्लडिंग इरिगेशन से वाटर सप्लाई किया, वो सॉइल यदि परमिएबल है तो उसमें पानी परकोलेट हो जाता है और खेतों के लिए, प्लांट्स के लिए कम पानी अवेलेबल रहता है. या एक आधे बार उल्टा भी होता है कि वो सॉइल यदि इम्परमिएबल है तो जो पानी हम सरफेस फ्लडिंग से देते हैं वो पूरा बह के चले जा सकता है. तो इसलिए हमें ऐसे इसमें भी हम वी कैन यूज द स्प्रिंकलर इरिगेशन. डेप्थ ऑफ द सॉइल इज शैलो ओवर द ग्रेवल ऑल सैंड. बहुत बार क्या होता है, आप सबको सॉइल पैटर्न आप सबको मालूम है कि जनरली हमारी जो जमीन रहती है, ये जमीन में सबसे ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो सॉइल पार्ट रहता है, उसके नीचे का जो पोर्शन रहता है तो उसमें कुछ हार्ड मुरूम रहता है, सॉफ्ट मुरूम, फिर उसके नीचे सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक वगैरह, इस टाइप से द सॉइल पैटर्न इज देयर. So when the depth of the soil or the fertile soil is shallow or less, then in that case we can use this sprinkler irrigation. The cost of the land preparation and permanent water delivery system of channels or conduit is less in this sprinkler irrigation. Lekin kyunki hame shuru mein pipeline bichhana hai, kuch sprinkling equipments lagana hai, pumping arrangement karna hai, pumps purchase karna hai, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा रहती है. ओके, सो सम एडवांटेजेस सम डिसएडवांटेजेस. लैंड प्रिपरेशन, वाटर डिलीवरी सिस्टम ऑफ द चैनल्स और द पाइप्स, कंड्यूट्स इज लेस हियर और इज टोटली डिलीटेड, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन द लेइंग ऑफ द स्प्रिंकलर पाइप्स, द स्प्रिंकलर नोजल्स एक्सेट्रा, द पंपिंग अरेंजमेंट, बिकॉज द वॉटर इज मेड to pump, to flow under pressure through these pipes. So therefore, for the sprinkler irrigation, this is additional expenditure. और थोड़ा थोड़ा बीच में ये जो nozzles रहते हैं sprinkler के, ये choke हो सकते हैं, तो इसलिए इसका maintenance है थोड़ा. यदि आप शुरू में ही जहाँ से pumping करते हैं पानी, वहाँ ही यदि आप कोई filter लगा देते हैं, साफ पानी भेजते हैं, तो फिर तो ये problem आना ही नहीं है maintenance का, या बहुत कम आना है. So this is in short the starting of the sprinkler irrigation. As I have told you, from exam point of view also you have to prepare. लेकिन बहुत बड़ा आपको नहीं पूछते हैं, 5-6-7 मार्क की नोट आती है, वैसे ही 5-6-7 मार्क की on the drip irrigation also they may ask the note. So though we have got large knowledge of the sprinkler irrigation, we have to concise it into the smaller part. ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन की शुरुआत है. अभी हम और थोड़े आगे में जाते हैं. दिस स्प्रिंकलर सिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स: परमानेंट सिस्टम, सेमी परमानेंट सिस्टम एंड पोर्टेबल सिस्टम. एज द नेम सजेस्ट, 3 सिस्टम्स है, परमानेंट, सेमी परमानेंट और पोर्टेबल. और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं तो भी ये सिस्टम देखी है, आइदर हमारे खेत में, नागपुर में, कॉलेज में,
या आप कहीं महाराज बाग या पंजाब राव यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चरल फील्ड में जाते हैं, घूमते घूमते आजू बाजू बरडी में जाते हैं शंकर नगर से, तो लेफ्ट साइड में आपको ये दिखता है। तो उस पर से आपको ख्याल आ सकता है कि परमानेंट, सेमी परमानेंट और पोर्टेबल सिस्टम क्या है। परमानेंट में जो द पाइप्स विच कैरी दी वाटर फॉर द स्प्रिंकलर अरेंजमेंट, फॉर द फाउंटेन अरेंजमेंट आर परमानेंटली फिक्स्ड, एंड देन द लैटरल्स, उसके जो मेन पाइप के जो परपेंडिकुलर और पाइप निकलते हैं जिसको लैटरल्स करके बोलते हैं, वो भी परमानेंट फिक्स करते हैं। ओनली द क्रॉप पैटर्न इज चेंज एवरी टाइम, उसमें जो भी हम प्लांट लगाने वाले, क्रॉप्स लगाने वाले, वो सिर्फ चेंज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द परमानेंट सिस्टम। सेमी परमानेंट सिस्टम इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू परमानेंट, ओनली लैटरल्स, यानी परमानेंट सिस्टम में जो मेन पाइपलाइन है वो वैसे ही सेमी परमानेंट में मेन पाइपलाइन हम जमीन में फिक्स कर देंगे, वो हरदम निकाल नहीं सकेंगे, वो जमीन के नीचे फिक्स करना पड़ेगा। सिर्फ लैटरल जो है उसके परपेंडिकुलर पाइपलाइन जो है, जो आजू बाजू खेतों में पानी सप्लाई करती है स्प्रिंकलर के माध्यम से, फाउंटेन के माध्यम से, उसको हम मूव कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन पोर्टेबल सिस्टम जो है, जो आजकल सब खेतों में यूज होती है, उसमें क्या है कि आप मेन पाइपलाइन भी हिला सकते हैं, उसकी सब मेन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी, पाइपलाइन भी हिला सकते हैं, ये ऑल दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज द पोर्टेबल सिस्टम। अगेन दीज आर दी वेरियस फोटोग्राफ्स ऑफ दी हाउ दिस स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क्स। देन यू कैन सी दिस मेन लाइन ऑन द राइट साइड विथ माई कर्सर, एंड दी डिस्ट्रीब्यूशन और द लैटरल लाइन, आइदर ऑन दिस लैटरल लाइन द परफोरेटेड होल्स आर देयर, एंड मीन्स सम हाउ द फाउंटन और द स्प्रिंकलर इज टेकन आउट फ्रॉम दिस पाइप इज आइदर विद द हेल्प ऑफ द परफोरेटेड होल्स, छेद करके वो पाइप में, या उसमें लेफ्ट साइड में नीचे में जो ऐसे बताया है कि इसमें नोजल्स लगाते हैं, नोजल्स लगाते हैं। अब जैसे राइट साइड में नीचे में बताया है कि ये पोर्टेबल सिस्टम है, लेफ्ट साइड में ऊपर है तो ये परमानेंट सिस्टम है, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ आइदर पोर्टेबल ऑन द राइट साइड बॉटम, सेमी परमानेंट मिडल वन, एंड द परमानेंट ऑन द लेफ्ट साइड टॉप। ओके, देन द टाइप्स ऑफ द स्प्रिंकलर्स, थ्री टाइप्स अगेन, फिक्स नोजल पाइप सिस्टम, परफोरेटेड पाइप सिस्टम एंड रोटेटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर्स आर नथिंग बट द मीडियम थ्रू विच द वॉटर फ्रॉम द सब मेन्स और द डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप, मेन पाइपलाइन ब्रिंग्स द वॉटर अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पंप, आइदर फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पंप, फ्रॉम द कैनॉल्स एक्सेट्रा। देन दिस मेन पाइपलाइन ब्रिंग्स द वॉटर टू दी सब मेन और द डिस्ट्रीब्यूटरी पाइपलाइन, टू दिस डिस्ट्रीब्यूटरी पाइपलाइन वी फिक्स द स्प्रिंकलर्स, वी हैव द स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स आर नथिंग बट थ्रू विच द वॉटर फाउंटेन कम्स आउट एंड सप्लाइज द वॉटर टू द प्लांट, दे आर द फिक्स नोज परफोरेटेड पाइप सिस्टम एंड रोटेटिंग, ठीक है। फिक्स्ड नोजल टाइप ये पहला है, नोजल आर नथिंग बट अगेन एन इंट्रूडेड और द अरेंजमेंट मेड अटैच्ड टू द पाइप, टू दिस लैटरल पाइप और डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, एंड थ्रू दिस नोजल्स द वॉटर कम्स आउट विथ फोर्स, द स्प्रे ऑफ वॉटर इज डेवलप थ्रू दिस नोजल्स बाय टर्निंग ऑफ पाइप थ्रू 135 डिग्री, द एंटायर विड्थ ऑफ 15 मीटर्स बिटवीन द पाइपलाइंस कैन बी इरीगेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल नोजल, बट नोजल्स आर फिक्स्ड, दे डज नॉट रोटेट। द सेकंड वन इज परफोरेटेड पाइप सिस्टम, वेयर इन ऑन द लैटरल और दिस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स द होल्स आर मेड, HOLES, होल्स यानी छेद, हैविंग परफोरेशंस, दे आर कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज द परफोरेशंस, ड्रिल्ड अलोंग द साइड्स एंड टॉप्स, आर लेड ऑन द ग्राउंड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंसेस ऑफ 6 to 15 meters, एंड द वॉटर विथ द स्प्रे अंडर प्रेशर कम्स आउट आर डेवलप्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड द टॉप ऑफ द पाइप इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन एंड सप्लाइज द वॉटर टू द
प्लांट्स। एंड द लास्ट वन इज रोटेटिंग स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर टाइप, है ना। हमने हमारे कॉलेज में वगैरह देखा है कि वहां पे क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ऐसा ये करते हैं। और वो जो स्प्रिंकलर है वो रोटेट होते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, उसमें दी समेशन टाइप और द स्वस्तिक जिसको बोलते हैं मराठी में, उस टाइप से उसमें नोजल्स लगाए हुए रहते हैं और उसमें से पानी अंडर फोर्स बाहर आता है, तो वो अपोजिट एक्शन होने के कारण वो रोटेट होता है और स्प्रिंकलिंग भी करता है आजू बाजू। ठीक है, कॉमनली यूज रोटेटिंग स्प्रिंकलर कंसिस्ट ऑफ द सिंगल नोजल रोटेटिंग स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर द स्प्रे ऑफ वाटर डेवलप थ्रू दिस नोजल स्प्रिंकल्स ओवर ए सर्क्यूलर एरिया, रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स आर माउंटेड ऑन द राइजर पाइप्स, स्पेसिंग ऑफ द स्प्रिंकलर इज सो सिलेक्टेड दैट द एरिया ऑफ स्प्रेड फ्रॉम ईच स्प्रिंकलर ओवरलैप विथ ईच अदर, द परसेंटेज ओवरलैप डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। सो विंड ऑल्सो प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस स्प्रिंकलर इरीगेशन। विल मूव ऑन टू दी, वी विल नॉट गो इन टू मच टेक्निकल डिटेल्स, थोड़ा थोड़ा हमें मालूम रहना चाहिए कि वेरियस टाइप्स, वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द नोजल्स एक्सेट्रा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ द स्प्रिंकलर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वी विल जॉट इट डाउन इन शॉर्ट। इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द वॉटर इज पॉसिबल टू द प्लांट्स, इरीगेशन इज बेटर कंट्रोल्ड, लाइट इरीगेशन इज पॉसिबल फॉर सीडिंग एंड प्लांट्स विच आर वेरी यंग, लैंड प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, मोर लैंड कैन बी अवेलेबल फॉर द क्रॉपिंग एज द बॉर्डर्स एंड डीचेस आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पे कोई बांधिया नहीं बनाना है हमें, कोई नालिया नहीं बनाना है, तो बहुत सारी जो जमीन या खेत का जो पार्ट है जो बांधिया या नालिया बनाने में जाता है, तो उसके ऊपर भी हम क्रॉप ले सकते हैं। सो सरफेस रन ऑफ इज एलिमिनेटेड, है ना। जो हम काश्तकार जिस हमारे में जो है, उसे जमीन की वैल्यू मालूम है कि कितनी, जितनी ज्यादा जमीन अंडर एग्रीकल्चर आएगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो वो इसका स्प्रिंकलर का एक एडवांटेज है। स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ इरिगेशन वाटर कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, छोटी बड़ी जो नाले या नदियां है उसको हम वापर कर सकते हैं, इन एडिशन टू द वेल्स, ओपन वेल से भी ले सकते हैं पानी। टाइम एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कैन बी कंट्रोल्ड फॉर एप्लीकेशन, इसमें हम एडिशनल और क्या फायदा ले सकते हैं कि ये जो पानी हम स्प्रिंकलर से दे रहे हैं इसके साथ में हम फर्टिलाइजर्स और कोई पेस्टिसाइड्स, यानी खाद और जो पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं हमारे कीटकनाशक वगैरह, जर्म जर्म और ये इसको कील करने वाले, वो भी पानी में से दे सकते हैं। क्रॉप डैमेज फ्रॉम फ्रॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, इट इज ए स्टैंड बाय ड्रेनेज पंपिंग प्लांट। ठीक है, लिमिटेशंस है, विंड में डिस्टॉर्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम पैटर्न, कांस्टेंट वाटर सप्लाई इज नीडेड फॉर कमर्शियल यूज, वाटर मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सैंड, पावर रिक्वायरमेंट इज हाई, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरी है, हेवी सॉइल विथ पुअर इनटेक कैन नॉट बी इरीगेटेड एफिशियंटली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द सब सर्फेस इरीगेशन। सब सर्फेस इरीगेशन इज नथिंग बट द सप्लाई ऑफ द वॉटर टू द प्लांट नॉट अबोव द सर्फेस बट डायरेक्टली बिलो द सर्फेस ऑफ द लैंड, बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल, एज फार एज पॉसिबल एट द रूट जोन, एज फार एज पॉसिबल एट द रूट लोकेशन, है ना। प्लांट को पानी कहाँ चाहिए, रूट को ही चाहिए, तो इसलिए हमें अभी आगे में लास्ट में पढ़ने वाले सब सर्फेस इरीगेशन। इस तो जहां पे हम प्लांट के डायरेक्टली रूट को पानी दे सकते हैं वो सबसे बढ़िया है, उसमें इवेपोरेशन लॉसेस बहुत कम होंगे, नहीं के बराबर होंगे। और वी नो यू आर ऑल एक्सपीरियंसिंग इन आवर एरिया नाउ द टेम्परेचर इज अबो 41 डिग्रीज और 40 डिग्रीज, है ना। अभी नागपुर या विदर्भ में सभी तरफ में 40 डिग्री के ऊपर में तापमान गया है, अगले 15 दिन में ये तापमान और बढ़ते जाएगा, हर दो चार दिन में एक डिग्री से ज्यादा। सो इन दिस टेम्परेचर लॉट ऑफ द वॉटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉइल सर्फेस, आवर डैम्स गेट्स एम्प्टी डे बाय डे। मैंने आपको हाइड्रोलॉजी में बताया होगा,
तो इसलिए ये लॉसेस कम करने के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है सब सरफेस इरिगेशन। इसके दो पार्ट है, नेचुरल सब सरफेस एंड द आर्टिफिशियल सब सरफेस। नेचुरल सब सरफेस यानी क्या कि जैसे हम एकाधे बार कैनाल से पानी देते हैं, तो कैनाल में से जब पानी बहता है तो कुछ पानी परकोलेट होके बाजू के खेतों में जाता है, या एकाधा डैम है, छोटा बंधारा है ना, तो वो डैम के डाउनस्ट्रीम की जो खेती रहती है, जो नीचे निचले पार्ट की जो खेती रहती है, तो वो पार्ट में क्या होता है कि वो जहाँ पानी परकोलेट होके वो खेती को गीला करता है, तो उसको नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। हमको एडिशनल कुछ एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, या हमारे भी खेत में छोटी छोटी नालियों से यदि हमने पानी छोड़ दिया, ज्यादा पानी है तो डिचेस से या सब कैनाल से, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो वो भी हमारे खेत को गीला कर सकती है। खेत में पानी छोड़ने की बजाय सिर्फ उसमें से छोड़ दिया तो दैट इज द नेचुरल सब सरफेस। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस आर्टिफिशियल सब सरफेस, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन, वेर इन द वॉटर इज लेट आउट और वॉटर इज पंप्ड थ्रू द वॉटर सोर्स। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द वेल इज देयर ऑन द राइट साइड मिडल। थ्रू दिस वेल वॉटर इज पंप्ड विद द हेल्प ऑफ द पंप, एंड देन वॉटर इज ब्रॉट थ्रू द स्क्रीन्स एंड द फिल्टर्स, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी सैंड और एनी सस्पेंडेड मटेरियल विच विल क्लॉग और द ब्लॉक द ड्रिप्स, जो हम बाद में ड्रिप्स देखने वाले। तो यहाँ से हम लाएंगे प्रेशर गेज के ऊपर में या प्रेशर पंप के ऊपर में, और यहाँ लाने के बाद में यदि इसमें हमें चाहिए तो हम कुछ फर्टिलाइजर्स मिक्स कर सकते हैं या कुछ पेस्टिसाइड मिक्स करेंगे, और यहां से फिर से पाइप से अंडर प्रेशर दिस वाटर विल बी ब्रॉट अलोंग द मेन लाइन विच आर अंडरग्राउंड। ये जमीन के नीचे बिछाई हुई है और ये मेन लाइन को फिर से परपेंडिकुलर हमारी सब मेन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को भी फिर से अगेन देयर आर सर्टन लैटरल लाइन्स, एंड दीज लैटरल लाइन्स आर ऑल दिस सिस्टम इज अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे रहती है, जनरली नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स इज टू मच, 30 सेंटीमीटर्स, एंड ऑन दिस लैटरल्स लैटरल पाइपलाइन देयर आर सर्टन नोजल्स आर फिक्स्ड और द ड्रिप्स आर फिक्स्ड, एंड थ्रू दिस ड्रिप्स एट द लोकेशन ऑफ द ड्रिप्स दिस प्लांट्स आर सोड। ये जो भी प्लांट्स है जिसको ड्रिप इरिगेशन से पानी देना है, वो प्लांट के रूट के पास में पानी ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है डायरेक्टली। इसमें प्लांट के ग्रोथ को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी हम देंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ड्रिप इरिगेशन, दैट हाउ मच दैट मच वाटर वी कैन सप्लाई विच इज यूजफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ, नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट थ्रू द लीव्स। अगेन दिस इज ए स्कीमेटिक लेआउट, इट इज अगेन फ्रॉम योर पुनमिया बुक। द वॉटर सोर्स ऑन द लेफ्ट टॉप, पंप इज देयर, ओवर हेड टैंक, क्योंकि हमें हेड चाहिए, ये पाइप लाइन में से पानी यदि फ्लो करना है तो वी नीड ए हेड, सो वॉटर इज टेकन टू द ओवर हेड टैंक। थ्रू दिस ओवर हेड टैंक इट इज ब्रॉट टू द फर्टिलाइजर टैंक, फिल्टर यूनिट, प्रेशर कंट्रोल यूनिट दैट इज द प्रेशर रेगुलेटर, and through this pressure regulator, through the main pipe, the water is brought to your farm, to your agricultural area. The main has got perpendicular secondary lines or the submains. To these submains, again, there are the laterals. Okay, lateral pipelines. All this system is underground, and these lateral pipelines has got the drips at certain intervals. Through these drips, water is percolated at the roots of the plant. So this is, in short, the layout of the drip irrigation system. So we will, in our last 5-10 minutes, we'll try to understand the importance, some technicalities, and the advantages, disadvantages. And with this, we will close the first half of the today of our syllabus. So water is applied in the form of the drops or the dips directly near the base of the plant at the root. It is conveyed to flexible pipeline at low pressure and is applied at the plants through the drip nozzles. Okay, again there are nozzles, they are called as the drip nozzles. So
ऑप्टिमम यूज ऑफ द वाटर इज देयर, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, वॉट एवर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सो इवेपोरेशन लॉसेस आर कंट्रोल्ड एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर विथ मिनिमम लॉसेस. एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज इनिशियली डेवलप्ड इन इजराइल. इसराइल नाम का जो देश है, छोटा सा देश है, आपको कभी तो भी बताया होगा मैंने कि हमारे राजस्थान या हमारे एक आधे जिले का एरिया जितना है, और 20 सेंटीमीटर से रेनफॉल आता है यहाँ पे सिर्फ, जो हमारे राजस्थान में आता है. हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में 100 सेंटीमीटर से रेनफॉल आता है, ठीक है, फिर भी हम पानी में रोते ही रहते हैं या पानी शॉर्ट जाता है. तो ठीक है, अभी हम तो पढ़ रहे हैं इसराइल में कैसा किया, वैसे ही हम अडॉप्ट करते हैं अभी. द सिस्टम परमिट्स द फाइन कंट्रोल ऑन एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विथ इरिगेशन वाटर, सम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एज वेल एज सर्टन पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो गिवन, जो कीड़े वगैरह जो रहते हैं उसको मारने वाले रहते हैं रूट्स में. वाटर इज फर्स्ट फिल्टर्ड, ये मैंने आपको बताया. इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड. द होल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ द पंप, हेड टैंक, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज द मेन पाइपलाइन, मेन्स एंड द सेकेंडरी लाइन, एंड लास्ट वन द ट्रिकलिंग लाइन्स आर द लैटरल लाइन्स, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 10 to 20 millimeter डायमीटर. How much diameter? 10 to 20 mm die PVC pipes with perforations at a distance equal to spacing of the plants. The trickle lines are also fitted with secondary lines at a distance equal to row to row spacing of the crops, which may vary between 60 to 90 centimeters. Okay, plastic nozzles having perforations are attached to the trickle lines. The perforations are so designed that water leaves the nozzle at a very slow rate, usually ranging between 2 to 10 liters per hour, depending upon irrigation requirement of the crop. As I have told you, the whole field is divided into suitable plots. Secondary line is provided for each plot. A discharge regulator is provided at the beginning of the secondary line, that is at each plot. Har jagah discharge regulator, jo hamare valve rehte hai control wale, automatic valves at the head. Drip irrigation is suitable to practically all types of the crops except paddy, यानी हमारा राइस, क्योंकि पैडी में बहुत ज्यादा पानी लगता है हमें और वो स्टैंडिंग वाटर लगता है. इट इज ऑल्सो सुटेबल टू ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टू ऑल टाइप्स ऑफ द सॉइल, हाउएवर इट इज मोस्ट सुटेड टू कोर्स सैंडी फॉर्मेशन. ठीक है, ये इन शॉर्ट हमने ड्रीप इरीगेशन के बारे में पढ़ा, कुछ कॉम्पोनेंट्स पढ़े ड्रीप इरीगेशन के. वो कंपोनेंट में कुछ स्पेसिफिकेशंस पड़े, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ द नेम और नॉमेनक्लेचर ऑफ द पाइपलाइन, नोजल्स, द ओपनिंग्स एक्सेट्रा. नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर एज वी कैन गिव एट द रूट ऑफ द प्लांट, एट द ओरिजिन ऑफ द प्लांट द रिक्वायर्ड वाटर that is needed for the development or growth of the plant. So evaporation and percolation losses are controlled 100%, which are there with the surface irrigation method. So water supply at optimum level, jitna pani hame kheton ko dena hai utna hi pani hum denge, jyada nahi denge. Water logging avoid karenge kyunki abhi to hum perfect pani dene wale hain. Jyada se jyada isse hame yield milega, crop milega. कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप, हम किसी भी जैसे ग्रेप्स है या अदर टाइप्स, कोई मौसम्बी है, संतरा है, किसी भी प्लांट को एक्सेप्ट पैडी और राइस वी कैन गिव द वाटर विद, है ना. आजकल बहुत नए टेक्नोलॉजी आई है और नए प्लांट्स आर सोल्ड, वेरियस फैशनेबल वेजिटेबल्स आर देयर. नो ओवर इरीगेशन, ज्यादा का इरीगेशन नहीं होगा. ओवर इरीगेशन के कारण जो लॉसेस है दैट कैन बी कंट्रोल्ड. वेरिएशन इन एप्लीकेशन रेट, जैसे पानी चाहिए, शुरू में है प्लांट को बढ़ने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, प्लांट बढ़ने के बाद में ग्रोथ के लिए और चाहिए, लेकिन आखिरी में कम पानी चाहिए, तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. वीड कंट्रोल, वीड यानी जो प्लांट के बीच में घास आती है, अनावश्यक जो घास रहती है, कुछ पौधे रहते हैं, उसको वीड करके बोलते हैं, तो वो वीड नहीं होगा.
है ना, जो निंदन करके हमारे खेतों में हम निकाल डालते हैं बाद में। तो न्यूसेंस ऑफ द वीड्स कॉमनली एसोसिएटेड विद सरफेस एप्लीकेशन इज अवॉइडेड, है ना। वीड्स आप सबके ध्यान में आ गया होगा, जो घास वगैरह अननेसेसरी जो प्लांट्स बढ़ते हैं उसे वीड्स करके कहते हैं। इंक्रीजिंग नेट इरिगेबल एरिया, क्योंकि अभी हमारे पास में जो पानी की उपलब्धता है वो तो अभी उसमें हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम पानी प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा इरिगेशन एरिया बढ़ेगा। इरिगेशन एरिया बढ़ेगा तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी ओवरऑल बेनिफिट्स बढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्वेशन, खेत में सरफेस इरिगेशन करते हैं तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, लेकिन सब सरफेस है ड्रिप करते हैं तो उसमें के न्यूट्रिएंट्स जो है, जो सॉइल में के, दोज न्यूट्रिएंट्स आर प्रिजर्व्ड बिकॉज देर इज नो इरोजन ऑफ द सॉइल। ओके, सो देयर फॉर न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन, इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल जो मैंने अभी बताया, इंसेक्ट एंड द पेस्ट कॉम्बैटिंग केमिकल्स कैन बी डायरेक्टली कंडक्टेड इन टू रूट जोन। ये हम पेस्ट यानी जो कीड़े मकोड़े जो रहते हैं जो प्लांट को खा जाते हैं, तो उनके उनको भी हम प्लांट को दवाई देके उनका भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट कम होगी, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, नो सॉइल इरोजन, है ना। लेबर आज का तो सबसे महंगा पार्ट लेबर है, आपको मालूम है, 300 400 500 रुपए रोज देने के बाद भी बहुत बार समय के ऊपर में धान कटाई आती है, कापूस का कलेक्शन आता है या सोयाबीन का निकाला तो लेबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, नो सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोजन नहीं होगा जो सरफेस इरिगेशन किया तो हो सकता था। सुटेबिलिटी इन सलाइन सॉइल, बहुत सारी हमारी जो जमीन है वो उसमें सैलिनिटी रहती है, उसमें सॉल्ट रहता है। कुछ हमारे अकोला डिस्ट्रिक्ट में है, पूर्णा जो नदी है उसके बैंक के पास में, तो ऐसे इसमें भी दिस ड्रिप इरिगेशन इज गुड, सलाइन अल्कलाइन और ब्रैकिश सॉइल। मेंटेनेंस ऑफ हाई सरफेस टेम्परेचर, है ना, बहुत बार क्या होता है, धूप काले में जमीन का सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं। अब ये जमीन के नीचे ही अंडर द सॉइल वी आर सप्लाइंग द वाटर, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द सॉइल इज मेंटेन्ड एंड दिस टेम्परेचर कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इफ द टेम्परेचर एट द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज बिट कोल्ड और इज बिट अंडर कंट्रोल, देन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सो देयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ द हाई सरफेस टेम्परेचर सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, ठीक है। इसके कुछ नॉमिनल जो डिसएडवांटेजेस है वो है हाई इनिशियल कॉस्ट, ये डेफिनेटली है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द वेरियस कॉम्पोनेंट सच एज द पंपिंग यूनिट, फिल्टर यूनिट, पाइपलाइन, नोजल सेक्शन इज वेरी हाई, बट इफ यू कंपेयर दिस विद द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द लैंड फॉर द सरफेस इरिगेशन, खेती को सरफेस इरिगेशन युक्त बनाना, जैसे उसमें नालियां बनाना, जैसे उसमें फरोज बनाना और जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना है या ये करना है इरिगेशन के लिए, तो उसका खर्चा बचता है लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। मे बी यू मस्ट बी नोइंग दैट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग दिस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, यानी कुछ आधी कीमत गवर्नमेंट बेयर करती है और आधी काश्तकारों को या शेतकरी को करना पड़ता है, उसको भी लोन मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट इज नाउ इनिशियलाइजिंग इज मेकिंग द फार्मर्स टू गो फॉर ड्रिप इरिगेशन। डेंजर ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ नोजल्स, है ना, यदि वो पाइपलाइन में जो पानी आने वाला है उसमें यदि कचरा है तो ये नोजल्स ब्लॉक हो सकते हैं, क्लॉग हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इनिशियली वी हैव टू टेक प्रिकॉशन बाय स्क्रीनिंग, चेंज इन स्पेसिंग ऑफ द नोजल। एकाधे बार आपने नोजल फिक्स कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको पाइपलाइन बदलना पड़ेगा यदि आपका क्रॉपिंग पैटर्न बदलता है तो ये जरा इसके लिमिटेशन है। शैलो रूट डेप्थ ऑफ द क्रॉप स्पेशली फ्रूट ट्री एक्सेट्रा मे रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप और ट्री विथ टॉपलिंग ड्यूरिंग हाई विंड्स, ठीक है। यदि कम डेप्थ वाले प्लांट्स है जिसको ही हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ये यदि कुछ जिसको
बादल आ जाते हैं, हवा बहती है जोरों से, तो ये टॉपल हो सकते हैं, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आज हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, एंड टुडे वी विल स्टॉप हियर।